माता, मैंने अपने नेत्र आपको अर्पण कर दिए, आप कहेंगे तो मैं अपना जीवन भी दान कर दूंगा, किंतु आप इस प्रकार मुझे यहाँ से जाने को मत कहिए। मेरे लिए नहीं तो हरि के लिए, सखा कृष्ण के लिए द्वारका लौट आइए। आपको क्या लगता है, आप अपने कष्ट दिखाकर मेरे कष्टों को भुला सकते हैं? हरि और श्री केवल आपकी वजह से अलग हुए और ये बात मैं कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं भुला सकती। जो दुख आपको है, जो कष्ट मेरा सखा सह रहा है, मेरा दुख उससे दुगना है। मुझे आपके दुख से भी दुख है और मैं अपने सखा का कष्ट भी सह रहा हूँ। क्षमा कीजिएगा सुदामा जी, पर इसमें भी आप ही का दोष है। ना द्वारका आते और ना हम सबकी नियति इस प्रकार परिवर्तित होती। मैं जानता हूँ देवी, इसलिए तो मुझे इस जीवन से घृणा हो गई है। कोई तो उपाय होगा इस दुर्भाग्य को सुधारने का, कोई तो मार्ग होगा श्री और हरि के मिलन का। आप बताइए देवी, आप जो कहेंगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। एक मार्ग है, पर वो आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो आपके लिए असंभव है। देवी, आप कहकर तो देखिए, यदि आप कहेंगे कुएं में कूदना है तो कुएं में कूद जाऊंगा, अग्नि में स्वयं की आहुति देना पड़े तो वो भी दे दूंगा। आप कहिए देवी। मैं जानती हूँ कि आपको अपने जीवन का मोह नहीं है। जो मैं आपसे कहने जा रही हूँ वो आपके जीवन से कहीं ज्यादा अधिक अनमोल है। मैं आपको वचन देता हूँ, श्री और हरि के मिलन के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगा। आप कहिए देवी, आप क्या कहना चाहती हैं? मेरे और आपके हरि का वियोग आपकी वजह से हुआ, आपकी भक्ति की वजह से हुआ। जो मैं आपसे कहने जा रही हूँ वो मैं कहना नहीं चाहती थी, पर आप सुनना चाहते हैं तो फिर सुनिए। हरि और श्री के मिलन का अब एक ही उपाय है, नारायण और लक्ष्मी, कृष्ण और रुक्मणी अब सभी एक हो सकते हैं जब आप कृष्ण भक्ति छोड़ दें। ये आपने क्या कह दिया देवी, इतनी अनुचित मांग। भले ही मेरे सखा को अग्नि में जला देते, मेरा सखा मुस्कुराते हुए उसे भी स्वीकार कर लेता, किंतु कृष्ण भक्ति छोड़ना मेरे सखा के लिए उससे अत्यंत पीड़ादायक है। क्या हुआ, अब चुप क्यों हो गए आप? अभी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे आप, और अब आपके मुख से एक शब्द ही नहीं निकल रहा। भक्ति कृष्ण भक्ति छोड़ दूं? चिंता मत कीजिए, मैं पहले से ही जानती थी आप अपना जीवन त्याग सकते हैं, परंतु कृष्ण भक्ति नहीं।